गढ़ थाना क्षेत्र के सदर बाजार गोपीनाथ के करेलिया मोहल्ले में शनिवार की देर रात को डेकोरेशन कारोबारी के गोदाम में बर्थडे के दौरान चल रही शराब पार्टी के दौरान आपसी अदावत को लेकर कुछ लोगों ने रोहित पांडे 19 वर्ष के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक कंटाही मोहल्ले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हत्या करने के बाद अपराधियों ने जख्मी युवक को गोदाम से चादर में लपेटकर घसीटते हुए दरवाजे पर लाकर गली में फेंक दिया। अपराधियों ने घटनास्थल बदलने का प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर बाढ़ थाने के दरोगा धनंजय कुमार और मनीष कुमार के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। भय का आलम यह था कि आसपास के पड़ोसियों ने पुलिस द्वारा बुलाए जाने के बावजूद भी घर का किवाड़ नहीं खोला, जिससे पुलिस को पूरी जानकारी नहीं मिल सकी। आसपास में खाने के सामान की पॉलिथीन, कोल्ड ड्रिंक की बोतल और प्लास्टिक के गिलास में शराब बरामद हुई है। पुलिस हत्या की वारदात को सुलझाने में जुटी हुई है। कुमार नाम है इसका। जी सर। जो सूचना देने आया था उसी का गोदाम है, उसका सनी कुमार नाम है, और आगे अभी कोई जानकारी नहीं मिला है कि इसका घर कहाँ है। किस प्रकार हत्या की गई है कुछ पता चल रहा है सर? अभी ये क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि हत्या ही हुआ है। जी सर। आगे का अनुसंधान का विषय है, देखिए क्या निकल के आता है। क्या परिचय कितनी गोली लगी है सर? अभी तो ये कैसे बता सकते हैं कितने गोली लगी है, जांच होगा मेडिकल तो भी पता चलेगा कितना गोली लगा है। तो हत्या है ना ये? अभी कहा नहीं जा सकता है कि हत्या ही है। नहीं देख सर, मैं तो लग रहा है कि हत्या ही है, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता है कि हत्या ही है। गोली मार के हत्या हुआ है, देखने से तो यही प्रतीत हो रहा है कि गोली मारा गया है।